नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का छलका, पुत्री मोह। जी हां, बोले कि आरती ने दो बार बीजेपी की मदद, नहीं मिली टिकट। और आगे उन्होंने कहा कि मैं तो क्या कहूं, बच्चे बड़े होने के बाद सुनते ही है कहां। अब चूंकि आरती चुनाव लड़ने का कर चुकी है ऐलान, चुनाव लड़ने की तो बात है, कहां से चुनाव लड़ेगी, लोगों से करेंगे मशवरा। तो वहीं कहा अगर टिकट मिलता तो दो बार जीत भी सकती थी, लेकिन अब पब्लिक के सहयोग से जीत पाएगी, पार्टी के नहीं। जी हां, और राव ने कहा मैंने लोगों के प्यार का कभी दुरुपयोग नहीं किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नाम लिए बगैर नांगल चौधरी विधायक पर भी साधा निशाना। बोले कि चिड़ इस बात की है कि कुछ लोग हमारे लोगों का प्यार लेकर आगे बढ़े और धोख दूसरों की खाई। बोले अब संगठित होने की जरूरत, जब तक संगठित नहीं होंगे कोई नहीं पूछेगा, हरियाणा का मिजाज ही ऐसा। जी हां, और यहां पर आपको बता दें कि नारनोल के गांव धोलेड़ा में आजाद हिंद फौज में रहे स्वतंत्रता सेनानी शयोराम यादव व उनकी पत्नी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन आज के दिन रोजाना जो अपनी जान के ऊपर खेल करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आज उनको भी हमने ध्यान, उनके कुटुंबों को भी ध्यान रखने की बात है। और जो मान और सम्मान गांव के अंदर उस व्यक्ति को मिलता है, जो गुहान के अंदर उस व्यक्ति को मिलता है, वो शायद हम सरकार वाले भी नहीं ले पाते। मास्टर जी ने राजनीतिक बातें कई चीज कह दी, मेरे साथ सहयोग देने के लिए लोगों ने कहा। मैं आज तक और स्टेज के ऊपर खड़े होकर के शहीद की आत्मा के प्रति या एक स्वतंत्र सेना की आत्मा के प्रति कहता हूं कि जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया आज तक। तो मुझे चीज इस बात की आ जाती है कि हमारे लोगों का सहयोग लेकर के, हमारा प्यार लेकर के, हमारा साथ लेकर के हम ही को उल्टा गाड़ी बके और जाके दूसरे के धोख खाऊं। भाई धोख खानी अपने बाबा के खा लो, अपने बुढ़े के खा लो, अपने गांव वाले पंडित के खा लो। ज्यादा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो पंडित है, इसलिए ज्ञानी है। लेकिन बाहर जाकर के हमारे कोल निकालना, मैं समझता हूं हमारे संगठन के अंदर बाधा पड़ता है, इसलिए मेरे को कई बार एतराज होता है। और आज आपके बीच में आकर के यूं कहता हूं, मैं आया, आप लोग ने मेरा स्वागत किया, पगड़ी बांधी, इज्जत दी, भगवान करे आप 100 साल चले के सारे। और अपने बच्चों को भी नसीहत दो कि भाई हमारे को जब तक संगठन नहीं देखेंगे तो हमारी पूछ नहीं होगी। हरियाणा की राजनीति ऐसी है और हम जब तक संगठन हैं तुम्हारी पूछ होगी। और कई जिक्रे हुए कि भाई हाईवे बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई, अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे उस टाइम के ऊपर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के मंत्री। तो मैंने उस टाइम की उनको कहा कि हमारे यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। एक जमाना था जब पंजाब इकट्ठा हुआ करता हमारे साथ, तो लोग यहाँ से रोटी पढ़ाने के पंजाब में पंजाबी पढ़ाने का क्षेत्र कहलाया जाया करता था। और आज जितने भी संसाधन हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सारे रोहतक के अंदर बैठे हुए हैं। वहीं पर यूनिवर्सिटी है, वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दी जाएगी, तो स्टेट का क्या योगदान हो? स्टेट का भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। तो रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट का योगदान हो, और जहां पर यूनिवर्सिटी का शिक्षा का अभाव है वहां केंद्र का हो। और अर्जुन सिंह जी ने मेरी बात मान ली, हमारे यहाँ पर जो पाली में जो यूनिवर्सिटी बनी है तो हमारे यहाँ पर समझ।
और भाई आखिरी बात पॉलिटिकल जो मैं कह के कहना चाहता हूँ, लोगों ने कहा भाई आपकी इलेक्शन लड़वा, इसने दो बार बीजेपी की मदद करी, हालांकि बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दिया। तो भाई मैं तो क्या कहूँ, ये बच्चे बड़े होने के बाद सुने क्या, किसी खुद ही ऐलान कर दी कि मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा। अब कहां से लड़ेगी, कहां से लड़ेगी, तो लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, ऐसे सलाह मशवरा करके बता दियो। लेकिन इलेक्शन लड़ने की बात है, कई दो बार जब ये सकती थी और नहीं जीती और तीसरी बार इलेक्शन लड़ती है, तो भी पब्लिक के सहयोग से जीत पाएगी, पार्टी के सहयोग से और मेरे जो साथी यहाँ पे कहीं देखो आज बहुत दूर दूर आके मिल गए, हमारे साथ के लोग कड़क हैं और आने वाले जो लोग अभी तक क्या पहली बार वोट डालेंगे या दूसरी बार वोट डालेंगे, इनको नहीं पता कि कितना भेदभाव इस इलाके के साथ जब से पंजाब था पंजाब हरियाणा हिमाचल में इकट्ठा था, जब से कितना भेदभाव हुआ और हम एक इंच लेते हैं आधे इंच वापस धकेल देते हैं। मैं आपसे आज भी इस तौर के ऊपर कह रहा हूं भाई, मेरे पता नहीं मेरी भी जिंदगी 70 साल 75 साल का मैं भी हो गया, नौजवानों खारी जिम्मेवारी है कि आपस में गांव के अंदर तुम बेशक झगड़ दो, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है इसको बनवाने की या डराने वाली नस्लों के लिए हरेक बरादरी के 36 बरादरी के लोगों को संगठित होकर के और किसी एक की तो बात सुननी पड़ेगी, अंत बात बनेगी तो अपने अपनी सबरी अपना अपना राज हो जाएगा, बीच में से कोई और निकल जाएगा। तो ये चीज कहने के लिए अभी आज मैं उपस्थित आपके बीच